तो यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल लिया है, फैब्रिक बटन, कुंदन, चेन, रिंग बेस, इयररिंग स्टड, फैब्रिक ग्लू, घुंघरू और कुंदन और बॉल चेन। तो यहाँ पर ये जो बटन है इसके आसपास हम फैब्रिक ग्लू से ये जो बॉल चेन है बॉल चेन को उस पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं बॉल चेन को लगा दूंगी। और इस तरह से हम इसे बॉल चेन लगा देंगे। और यहाँ पर मैं फ्रेम कुंदन भी लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने एक और फैब्रिक बटन लिए हैं, तो यहाँ पर मैं सुई धागे से इसमें एक घुंघरू को इसमें अटैच कर दूंगी। इसमें हम घुंघरू लगा देंगे। और यहाँ पर ये जो इयररिंग हुक है इसमें हम चेन को लगा देंगे। और इस चेन को हम थोड़ा सा कट भी कर देंगे। और फिर यहाँ पर मैं सुई धागे से इसमें चेन को भी अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पहले मैं यहाँ पर चेन लगा दूंगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और अगर आपको दूसरी वीडियोस देखनी है हैंडमेड ज्वेलरी की या फिर क्राफ्ट की, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो वहाँ पर जाकर आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और देखिए जो इयरिंग स्टैंड है यहाँ पर मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से हमने इयररिंग्स को रेडी कर दिया है, टीके को रेडी कर दिया है। अब हम रिंग बनाएंगे। तो रिंग के लिए यहाँ पर मैं जो फैब्रिक बटन है इसके आसपास हम घुंघरू को लगा देंगे। और अगर आपके पास घुंघरू नहीं है तो आप इसकी जगह पर गोल्डन मोती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं सारे घुंघरूओं को उस पर लगा दूंगी। और इसके आसपास हम वापस बॉल चेन को लगा देंगे, जिस तरह से हमने टीका और इयररिंग को रेडी किया था। और यहाँ पर बीच में मैं फैब्रिक ग्लू से कुंदन को लगा दूंगी। और यहाँ पर मैं ग्लू लूंगी और ग्लू से हम जो रिंग बेस है उसको हम पर लगा देंगे। एंड देखिए रिंग रेडी हो गई है। और इसकी मैचिंग के इयररिंग और टीका और इसका जो मैचिंग का चोकर है उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है इसी के पहले, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसकी वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बाय।